मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार के साधनों में सुधार। परिवहन के साधनों को उन्नत बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि कोयला, लोहा और अन्य उत्पादित वस्तुओं को कारखानों तक पहुंचाना व तैयार माल को कारखानों से दूरस्थ स्थानों तक ले जाना आवश्यक हो गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस ने सड़कों और नहरों का निर्माण करके दूसरे देशों को नेतृत्व दिया। स्कॉटिश मकाडम यानी 1756 से 1836 ईस्वी सड़क निर्माण का नया तरीका निकाला, जिसमें सड़कों को सबसे निचले भाग में भारी पत्थरों की परतें, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परतें, उसके बाद मिट्टी और गारे के स्थान पर तार कोल की परत जमाई जाने लगी। इसके बाद नहरों पर विशेष ध्यान दिया गया। सहस्रों मील लंबी नहरों का विकास किया गया। ड्यूक ऑफ बिजवाटर ने बिडले नामक इंजीनियर की सेवाओं से वर्सले से मानचेस्टर तक नहर का नक्शा तैयार कर निर्माण करवाया। ड्यूक के नाम पर इस नहर का नाम ब्रिजवाटर नहर रखा गया। साल्सेट मारी नहर यातायात की सबसे प्रसिद्ध नहर थी। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनाद लेससे ने स्वेज नहर को भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है का निर्माण पूरा करवाया। इस नहर के बन जाने से भारत व यूरोप के बीच के मार्ग की दूरी एक तिहाई कम हो गई। एक अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन से सर्वप्रथम हडसन नदी में सबसे पहली वाष्प शक्ति से चालित नौका फ्लेयरमॉट का सफल परीक्षण किया गया। इस नौका ने न्यूयॉर्क से एल्बानी तक की 150 मील की दूरी 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी की। इस आविष्कार से जल यातायात के क्षेत्र में क्रांति पैदा हो गई। 1838 ईस्वी में पहले स्टीम वॉट सीरियस ने अटलांटिक महासागर को 18 दिनों में पार किया। रेल के इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। जेम्स वाट ने स्वचालित इंजन का सफल आविष्कार कर इंग्लैंड में 1830 में अंग्रेज जॉर्ज स्टीफन ने अपने प्रसिद्ध भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार करके परिवहन के साधनों में क्रांति ला दी। 1880 के आसपास गैसलीन अर्थात पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया गया। अमेरिका के हैंडी फोर्ड ने सस्ते दामों में मोटरों को बनाकर उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में भी मोटर बनाने के कारखाने खुले। इसके बाद माल ढोने के लिए ट्रक और गाड़ियां बनाई गई। ट्रकों के माध्यम से रेलगाड़ियों से अत्यधिक दूर के स्थान भी राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गए। 1839 ईस्वी में चार्ल्स गुडियर ने यह खोज निकाला कि रबड़ का किस तरह से वल्कीकरण किया जाए कि वह सख्त हो जाए। 1890 के आसपास जर्मनी के काउंट बोन लिपलिन ने हाइड्रोजन से भरे हुए बड़े वायुयान का डिज़ाइन बनाया, परंतु अधिक कामयाबी नहीं मिली। 1803 ईस्वी में बिल्वर और विले राइट नामक दो अमेरिकों ने हवा में उड़ने वाली मशीनें बनाने में सफलता प्राप्त की। उसी के साथ विमान निर्माण उद्योग की स्थापना हुई। 1920 के बाद यात्रा और व्यापारिक मार्गों के लिए भी विमान सेवाएं प्रारंभ हो गई। संचार व्यवस्था में रॉलेंट शील नामक एक अंग्रेज ने आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव डाली। 1874 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना हुई और एक देश से दूसरे देश को पत्र, समाचार पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि आने जाने लगे। 1844 ईस्वी में सैमुअल मास ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। 1866 में साइरस फील्ड प्रथम अटलांटिक समुद्री तार बिछाने में सफल रहा। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन, 1896 ईस्वी में मार्कोनी ने बेटार के तार से तार भेजने की मशीन बनाई। इसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का समय आया
और अंत में टेलीविजन शुरू हुआ। इस प्रकार संचार व्यवस्था का कायाकल्प हो गया। नेक्स्ट उद्योग में क्रांति। 17वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड में सूत का उद्योग व्यापक पैमाने पर शुरू हो गया। सूती कपड़ों की मांग इतनी अधिक थी कि पुराने ढंग से चरखे काफ़ी सूत नहीं काट सकते थे। अतः 1733 ईस्वी में जॉन के एक अंग्रेज ने उड़ने वाली ढरकी यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। 1764 ईस्वी में जेम्स हार्ग्रीफ ने एक ऐसे चरखे का आविष्कार किया जिसमें 8 सूत एक साथ काटे जा सकते थे। हार्ग्रीव्स ने अपनी कताई मशीन का नाम अपनी पत्नी के नाम पर कतन जेनी यानी स्पिनिंग जेनी रखा। 1769 ईस्वी में ब्रिस्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले सूत काटने की मशीन पंचौगट यानी वाटर फ्रेम बनाई जो हाथ से न चलाए कर जल शक्ति से चलती थी। चूंकि पंचौगट अथवा जल तंत्र बहुत बड़े थे अतः घरों में उनका प्रयोग संभव नहीं था, अतः उन्हें रखने के लिए कारखाने बनाने पड़े। 1789 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने वाटर फ्रेम स्पिनिंग जेनी दोनों को मिलाकर एक मशीन बनाई जिसे खच्चर या म्यूल नाम दिया गया। इससे बहुत बारीक सूत काटा जाता था। 1793 ईस्वी में एली हिंटन ने कपास की रुई अलग करने की मशीन बनाई गई जिसकी सहायता से एक आदमी एक दिन में हजारों पौंड कपास साझा कर सकता था। क्योंकि इस मशीन का आकार बहुत बड़ा था अतः इसका नाम कोटिन पिन रखा गया। इस प्रकार नई नई मशीनों तथा पद्धतियों के उद्योग धंधों का अभूतपूर्व विकास हुआ। नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणामों में पहला है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में ए घरेलू उद्योगों का विनाश। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विनाशकारी प्रभाव घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ा। क्रांति के पूर्व कारीगर लोग अपने घरों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने थोड़े से औजारों और सीमित पूंजी से काम करते थे। वे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे, परंतु औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग धंधे ठप हो गए। मशीनों से उत्पादन होता था, हाथ के उत्पादन से काफ़ी सस्ता और सुंदर होता था, अतः अब आजीविका के लिए इन स्वतंत्र एवं दक्ष कारीगरों को कारखानों में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। सेकंड या बी है बड़े कारखानों की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में छोटे छोटे कारखाने स्थापित हो गए थे। लोगों ने सोचा कि यदि वे अपनी पूंजी को बड़े कारखानों और मशीनों में लगाएंगे तो उन्हें अधिक फायदा हो सकता है। अतः कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े कारखानों के आंशिक मालिक बनने के इच्छुक थे। अतः बड़े बड़े कारखानों की स्थापना शुरू हो गई जिससे हजारों लोग एक साथ काम करते थे। बड़े कारखानों का कार्य कुशल एवं लाभप्रद सिद्ध हुआ। नेक्स्ट सी है नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप गांवों की जनसंख्या कम होती गई और औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई। छोटे मोटे दुकानदार भी आजीविका की खोज में वहीं जा बसे। इस प्रकार औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास होता गया। लीड्स, मैनचेस्टर आदि बड़े बड़े नगरों की नींव इसी क्रांति के कारण पड़ी। नेक्स्ट राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षक। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण प्रदान करें, अर्थात उस पर नियंत्रण रखें। इस दृष्टि से अब राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा, वस्तुओं पर चुंगी कर लगाया जाने लगा। इस दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सरकारों ने उपनिवेशों के साथ व्यापारिक नियमों को कठोर बना दिया गया ताकि अन्य देश अथवा उनके अपने ही उपनिवेश एक दूसरे के साथ सीधा व्यापार न कर सकें। नेक्स्ट सेकंड है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में पहला है मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के पूर्व समाज में गरीब और अमीर दो ही वर्ग थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ। मध्यम वर्ग के पास पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थी, अतः औद्योगिक विकास के साथ साथ उनका भी विकास होता गया।
उन्होंने अपने स्वतंत्र की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के आर्थिक स्थिति पर मध्यम वर्ग का अधिकार होता चला गया। नेक्स्ट सेकंड है जन स्वास्थ्य की समस्या। औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की समस्या भी अपने खतरनाक रूप से प्रकट होने लगी। अधिक समय तक बिना विश्राम किए तथा स्वास्थ्यप्रद सिद्ध नहीं हुआ, दूषित वातावरण में काम करके गंदी बस्तियों में रहते तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से अनेकानेक रोगों का प्रकोप बढ़ा। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं ने नगरों को दूषित करना शुरू कर दिया, जिससे जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लग गया। नेक्स्ट थर्ड है गंदी बस्तियों की समस्याएं। औद्योगिक क्रांति ने गंदी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिकों तथा निम्न आय के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द बहुत सटे हुए क्वार्टर्स और झोंपड़ों में बस गए। जहाँ कहीं भी कारखाने स्थापित हुए उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आज के नगरों में यह एक रोग के रूप में फैला हुआ है। धीरे धीरे राजनीतिज्ञों और समाज सुधारों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 20वीं सदी में अधिकांश औद्योगिक देशों में इस स्थिति से उभरने के प्रयास होने लगे। हजारों गंदी बस्तियों में उजाड़ कर उनके स्थान पर आधुनिक साफ सुथरी हवादार इमारतें बनाई गई, परंतु एशिया व अफ्रीका के देशों में अभी तक ये समस्याएं सुलझ नहीं पाई थी। नेक्स्ट है अनैतिकता का विकास। औद्योगिक क्रांति ने समाज को अनैतिकता की तरफ धकेल दिया। मानव समाज का पतन शुरू हो गया। भौतिक समृद्धि से शराब और जुआ का प्रचार इतना बढ़ गया कि समाज पतन की गर्त में जा फंसा। व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थ, प्रायणता आदि प्रवृत्तियों के विकास ने इसमें और अधिक सहयोग दिया। दुर्भाग्यवश इन बुराइयों का सबसे घातक प्रभाव निम्न श्रेणी के लोगों पर अधिक पड़ा। नेक्स्ट थर्ड है राजनीतिक प्रभाव। इसमें पहला है राजनीतिक सुदृढ़ता। औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है औद्योगिक देशों की राजनीतिक सुदृढ़ता। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। यातायात के साधनों का विकास हुआ। संचार व्यवस्था में उन्नति हुई। व्यापारिक क्रांति से आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व मिला। इन सब ने मिलकर राजनीतिक सुदृढ़ता को बल प्रदान किया। चूंकि प्रत्येक देश की विस्तारवादी नीति की सफलता उसके आर्थिक साधनों पर निर्भर है, अतः अधिक संपन्न देश औपनिवेशिक विस्तार में सफल रहे। नेक्स्ट विदेशी नीतियों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के औद्योगिक देशों की विदेश नीतियों को भी प्रभावित किया। पहले ये देश आर्थिक युद्धों अथवा जातीय युद्धों में अत्यधिक उलझे हुए थे। अब धर्म तथा जाति की बात गौण हो गई और उनके स्थान पर उपनिवेशों तथा अविकसित देशों के नियंत्रण अथवा राष्ट्रीय हितों की बात अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उदाहरण है तुर्की की सरकार तथा उसके अधिकारी बालकन क्षेत्र के ईसाइयों पर जुल्म करते रहे, परंतु अपने उपनिवेशों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की खातिर इंग्लैंड ने हमेशा तुर्की का पक्ष लिया। अतः अब उनकी विदेश नीति महाद्वीपीय स्तर से हटकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई। नेक्स्ट समाजवाद। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन किया गया वह आगे चलकर समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाजवाद का अर्थ है समाज में समानता की स्थापना। समानता का अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसरों की समानता उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना। इस दिशा में सर्वप्रथम अंग्रेज उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने कदम उठाया। उसने अपनी न्यू लेनार्क यानी स्कॉटलैंड की गंदी बस्ती को एक आदर्श बस्ती में बदल दिया। 1848 की क्रांति के समय लुई ब्लॉक ने प्रस्ताव रखा कि पेरिस शहर के बेरोजगारों के लिए सरकार को कारखानों की स्थापना करनी चाहिए। समाजवादी विचारधारा को उभर कर रूप प्रदान करने का श्रेय दो। प्रमुख जर्मन सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स 1818 से 1883
और फ्रेडरिक एंगल्स ने को दिया जाता है। 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसमें मजदूरों की निर्धन स्थिति को सुधारने संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया गया था। 1867 ईस्वी में मार्क्स और एंगल्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की पहली 3 जिल्द प्रकाशित की। इन पुस्तकों में बहुत विस्तार के साथ अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था, जो मार्क्सवादी समाजवादी था साम्यवाद के रूप में पुकारे गए। कार्ल मार्क्स ने 1764 ईस्वी में पूंजीवाद के विरुद्ध सभी देशों में मजदूरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में बांधने का प्रयास किया। यह संगठन प्रथम इंटरनेशनल नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु 1876 ईस्वी में इन्हीं किन्हीं कारणों से ये भंग हो गया। कुछ वर्षों के बाद द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की गई और पूंजीवाद सरकारों को पलटने का प्रयास जारी रहा। 1917 ईस्वी में रूस की राज्य क्रांति और साम्यवादी शासन की स्थापना से समाज को बहुत बल प्राप्त हुआ।